हमारा आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन. सिंस डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल शुड बी दैट इट शुड प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपीज. दिस व्हाट वी कॉल एज डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है? हमारे पास अगर डीएनए का एक मॉलिक्यूल होगा एक सेल के अंदर, बाय द पोलैरिटी ऑफ 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, अकॉर्डिंग टू FHC, क्रिक एंड वाटसन, बोथ दी स्ट्रैंड्स मस्ट अनकॉइल. यानी ये एक स्ट्रैंड अलग होगा और इसका और एक स्ट्रैंड अलग होगा. नाउ बोथ दीज स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट्स और मास्टर कॉपीज. इसके ऊपर एक नया स्ट्रैंड बनाया जाएगा और इसके ऊपर भी एक नया स्ट्रैंड बनाया जाएगा. दैट मीन्स फ्रॉम वन डीएनए मॉलिक्यूल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू डीएनए मॉलिक्यूल्स. दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल एज रेप्लिकेशन. तो रेप्लिकेशन का मतलब होगा प्रोड्यूसिंग एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डीएनए इनसाइड ए सेल और ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म या और एक सेल के अंदर जब डीएनए मॉलिक्यूल से एग्जैक्टली 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे, दिस प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए और डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन एक सेल के अंदर कब होती है? 11th में हमने पढ़ा होगा सेल डिवीजन का एक फेज होता है, नाम है इंटरफेज. इंटरफेज के एक सब फेज में जिसका नाम है एस फेज, इस एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ताकि डीएनए के एग्जैक्ट कॉपीज बनेंगे. डीएनए रेप्लिकेशन के रिगार्डिंग कई सारे मॉडल्स दिए गए. डिस्पर्सिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बट द एक्सेप्टेड वन इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. मींस कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है एक सेल के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन से होती है. सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. व्हाट इज दिस सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन? ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन देयर इज ए पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल. सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन सेज दैट दिस पेरेंटल डीएनए अनकॉइल्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 स्ट्रैंड्स. जैसे हमारे पास अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल होगा तो इसके दोनों स्ट्रैंड्स अनकॉइल हो जाएंगे. दिस विल एक्ट एज टेम्पलेट डीएनए, दिस विल एक्ट एज टेम्पलेट डीएनए. तो डीएनए अनकॉइल होके अगर हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल होगा, इसके दोनों स्ट्रैंड्स अनकॉइल हो जाएंगे. अनकॉइलिंग के बाद ये जो पुराना स्ट्रैंड है जिसको हम नाम देंगे टेम्पलेट और ओरिजिनल स्ट्रैंड, इट एक्ट एज मास्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड. इसका नाम होगा न्यू डीएनए, या हम इसका नाम देंगे डॉटर डीएनए. डॉटर डीएनए स्ट्रैंड हम इसको नाम देंगे. एंड सेम अप्लाइज फॉर दिस, इट इज टेम्पलेट और पेरेंटल स्ट्रैंड और द ओरिजिनल स्ट्रैंड. ओवर दिस स्ट्रैंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्ट्रैंड कॉल्ड एज डॉटर डीएनए स्ट्रैंड. दैट मीन्स एट द एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ईच मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट्स प्रोड्यूस्ड इज ए हाइब्रिड. हाइब्रिड किस चीज का? इसमें 50% डीएनए पुराना ही डीएनए है, यानी पेरेंटल स्ट्रैंड रिमेन्स 50% कंजर्व एंड 50% ऑफ द डीएनए इज न्यू. यानी इस डीएनए मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, इस डीएनए मॉलिक्यूल में एक स्ट्रैंड पुराना होगा
पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, और जो इसका दूसरा स्ट्रैंड होगा वो न्यू स्ट्रैंड होगा या नाम होगा डॉटर डीएनए स्ट्रैंड। दैट मीन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज अ हाइब्रिड इन विच 50% ऑफ द पेरेंटल डीएनए इज कंजर्व्ड एंड 50% ऑफ द डीएनए इज न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। एंड सेम अप्लाइज फॉर दिस, सपोज दिस डीएनए मॉलिक्यूल इट इज हाइब्रिड, दिस इज पेरेंटल एंड दिस इज न्यू स्ट्रैंड, एंड इफ देयर आर अदर कॉपीज same applies to them, there will be parental strand, new strand, parental strand, new strand. This DNA replication of DNA is called semi-conservative mode of DNA replication. Now, experimental proof of this DNA replication. How can you experimentally prove DNA replication is semi-conservative? Experimental proof of semi-conservative mode of DNA replication was given by Michelson and Stahl. ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने DNA replication को experimentally prove किया कि ये semi-conservative है। जो मैंने पहले ही कहा, DNA के strands अलग हो जाएंगे, इसके ऊपर एक नया strand बनेगा, इसके ऊपर एक नया strand बनेगा। That means ये भी hybrid होगा। पेरेंटल स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड का, दिस विल बी हाइब्रिड ऑफ पेरेंटल एंड न्यू स्ट्रैंड। मिशेलसन और स्टाल ने क्या किया, हमारे पास सबसे पहले जब डीएनए होगा, इस डीएनए में नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगे। पहले हमने पढ़ा है डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट होता है नाइट्रोजीनियस बेस। इस नाइट्रोजीनियस बेस में जो नाइट्रोजन है, इट इज नॉर्मल नाइट्रोजन बाय द नेम ऑफ N714, वी कॉल इट लाइट नाइट्रोजन और लाइटर नाइट्रोजन। देखिए इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल हमारे पास इकोलाई है, हम इस इकोलाई का डीएनए निकालेंगे। डीएनए निकालने के बाद एक साल्ट सॉल्यूशन तैयार किया जाएगा सीजियम क्लोराइड का। सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन हमने बना दिया, इसको सेंट्रीफ्यूज हम करेंगे ताकि इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट्स क्रिएट हो जाए, डेंसिटी ग्रेडियंट्स क्रिएट हो जाएंगे। क्या मतलब, यानी सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो बॉटम पे होगा इसकी डेंसिटी हाई होगी, जो बीच वाला सीजियम क्लोराइड होगा इसकी इंटरमीडिएट डेंसिटी होगी, और जो सीजियम क्लोराइड टॉप पे होगा इसकी लाइटर डेंसिटी होती है। अगर हम किसी हल्की सी चीज को सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डालेंगे वो फ्लोट करेगा, वो टॉप पे रहेगा क्योंकि डेंसिटी मीडियम की वैसी है। आप किसी बारी चीज को डालेंगे तो फ्लोट नहीं करेगा, वो सीधा बॉटम पे आ जाएगा। और अगर आप कोई ऐसी चीज डालेंगे जिसकी डेंसिटी इंटरमीडिएट होगी टॉप और बॉटम के बीच में, तो वो पार्टिकल बीच में आ जाएगा। दैट मीन्स अगर आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज, दे विल बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस इन डेंसिटीज इन सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन विद हैवियर सबस्टेंसेस एट द बॉटम, lighter substances at the top, and substances of intermediate density between these two rings. So we have here a cesium chloride solution, and we have now DNA extracted from E. coli. The DNA of E. coli will be having light nitrogen. Jab is DNA ko centrifuge karaya jayega cesium chloride solution mein, being lighter in density, this DNA was found at the top of cesium chloride solution because density of this nitrogen corresponds to the top portion of cesium chloride solution. लिहाजा जब DNA की centrifugation की गई तो DNA यहां पे top layer में आ गया। अब क्या किया गया, E. coli को जिसमें नॉर्मल नाइट्रोजन होगा, लाइट नाइट्रोजन होगा, इस इकोलाई को
एक मीडियम में कल्चर कराया गया जिसमें अमोनियम क्लोराइड साल्ट डाला गया NH4Cl, मगर यहां पे जो नाइट्रोजन है इट वाज एन आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, इट्स नॉट रेडियो एक्टिव, इट्स कॉल्ड हैवी नाइट्रोजन, क्योंकि एक प्रोटॉन ज्यादा होने के कारण इसका मास ज्यादा होगा व्हेन कंपेयर टू दिस N714 और लाइट नाइट्रोजन। इकोलाई को अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में कल्चर किया गया और इस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन ऐड किया गया था इट वाज हैवी नाइट्रोजन। इकोलाई में सबसे पहले यहां पे मान लीजिए डीएनए का एक मॉलिक्यूल होगा, टू स्टार्ट विथ बोथ द स्ट्रैंड्स विल बी N14 एंड N14, क्योंकि अगर हम अपनी सेल का भी डीएनए निकालेंगे उसके जो दोनों स्ट्रैंड्स होंगे उनमें जो नाइट्रोजन होगा इट विल बी N14। जब इस इकोलाई को अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में कल्चर कराया गया तो इस डीएनए मॉलिक्यूल की रेप्लिकेशन होगी। मान लीजिए यहां पे जो रेप्लिकेशन है इट्स सेमी कंजर्वेटिव, लेट्स सेट ऑन हाइपोथेटिकल बेसिस, टिल वी विल नॉट एक्सपेरिमेंटली प्रूव इट, ऑन हाइपोथेटिकल बेसिस आई एम सेइंग लेट द डीएनए रेप्लिकेशन बी सेमी कंजर्वेटिव। दैट मीन्स दिस अमोनियम क्लोराइड विद हैवी नाइट्रोजन will be incorporated into nucleotides and those nucleotides will be now having heavy nitrogen. Replication ke time pe in do strands ko alag karaya jayega, N14 alag hoga, N14 alag hoga, it will act as parental strand for the new strand, it will act as parental strand for the new strand. इस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर नया एक डीएनए स्ट्रैंड बन जाएगा, मगर इस डीएनए स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनमें हैवी नाइट्रोजन होने के कारण ये जो नया स्ट्रैंड यहां पे बनेगा ये होगा N15। दिस इज द पेरेंटल स्ट्रैंड हैविंग लाइट नाइट्रोजन, दिस इज द न्यू स्ट्रैंड, क्योंकि इस नए स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनमें हैवी नाइट्रोजन होगा, दैट मीन जो ये नया बनेगा ऑन द पेरेंटल स्ट्रैंड इट विल बी N15, सो यू विल गेट अ हाइब्रिड ऑफ N14 N15। नाउ दिस इज अनदर पेरेंटल स्ट्रैंड, ओरिजिनल स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ओवर दिस स्ट्रैंड ए न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, ए न्यू डीएनए स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज्ड, एंड द न्यू डीएनए स्ट्रैंड विल बी सिंथेसाइज्ड using nucleotides of E. coli which have heavy nitrogen incorporated into them. तो यहां पे nucleotides को polymerize किया जाएगा complementary basis पे और एक नया strand बनाया जाएगा parental strand के ऊपर, और जो ये nitrogen यहां पे होगा it will be now N15. So in the first generation of E. coli you will get DNA molecules of hybrid nature having a light strand with light nitrogen and a heavy strand with N15 nitrogen. So you are getting hybrids here. What you are doing, you will culture this E. coli repeatedly for several generations on a medium containing heavy nitrogen by the name of N15. अब यहां पे क्या होगा, ये जो N14 स्ट्रैंड है ये तो N14 ही रहेगा, नए रेप्लिकेशन में ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे, ये एक्ट करेगा पेरेंटल, अब इस पेरेंटल से जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनमें हैवी नाइट्रोजन होगा, दैट मीन जो यहां पे साइटोप्लाज्म में नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होंगे हैवी होंगे, जिसके कारण ये यहां पे बन जाएगा N15। सो फ्रॉम दिस N14 यू आर हैविंग अ हाइब्रिड ऑफ N14 N15, और यहां पे आपको ऑलरेडी N15 स्ट्रैंड है, यू हैव ऑलरेडी N15 स्ट्रैंड एज पेरेंटल, जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें हैवी नाइट्रोजन आ जाएगा, दैट मीन नया स्ट्रैंड भी N15 ही होगा। तो इस हाइब्रिड से आपको एक हाइब्रिड मिलेगा
जिसमें लाइटर पेरेंटल होगा, नया हैवी होगा, यहां पे आपको पहले से ही हैवी नाइट्रोजन है और यहां पे आपको जो नया स्टैंड बनेगा ये बनेगा N15 वाला. एंड सेम अप्लाइज फॉर दिस मॉलिक्यूल ऑल्सो. इन दिस मॉलिक्यूल बोथ दी स्ट्रैंड्स विल बी अनकॉइल्ड, सेपरेट हो जाएंगे. तो यहां पे जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा ये N14 होगा. अब जो इस पेरेंटल स्ट्रैंड का नया स्ट्रैंड बनेगा दैट विल बी हैविंग हैवी नाइट्रोजन इन इट, इट विल बी N14 N15. और इससे जो नया स्ट्रैंड बन जाएगा, ये पहले ही N15 है, तो जो नया स्ट्रैंड बनेगा फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इज हैविंग हैवी नाइट्रोजन इन देम, तो ये N15 और N15 बन जाएगा. देन यू विल कल्चर दिस ई कोलाई रिपीटेडली फॉर लॉन्ग नंबर ऑफ जनरेशन, फॉर सो मेनी जनरेशन. व्हाट विल हैपन फाइनली, यू सी इन फर्स्ट जनरेशन यू हैव होल ऑफ द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिड, बट नाउ यू विल सी 50% ऑफ द डीएनए इज हाइब्रिड एंड 50% ऑफ द डीएनए कंप्राइज प्योरली ऑफ N15 स्ट्रैंड्स. नाउ सी in future generations what will happen from this N14, because you are repeatedly giving N15 nitrogen in the medium, is N14 strand pe kyunki ye parental ka kaam karega, jo naya strand is pe synthesize hoga usme heavy nitrogen aayega, to jo naya strand hoga wo N15 hoga. To is strand se aapko banega N14 N15. ab is strand se, like ise pehli generation mein ye pehle hi N15 hai, इट इज N15, नया सिट्रेंड बन जाएगा N15. इस सिट्रेंड में दोनों मॉलिक्यूल में दोनों स्ट्रैंड्स हैवी है, तो पेरेंटल होगा N15, जो नया होगा ये भी होगा N15. और इससे आपके पास N15 है, नया जो होगा ये भी N15 ही होगा. और सेम अप्लाइज फॉर दिस डीएनए मॉलिक्यूल. पहले आपको 100% डीएनए हाइब्रिड मिला था पहली जेनरेशन में, हाइब्रिड ऑफ N14 N15. अगर आप दूसरी जेनरेशन में देखेंगे, जब आप इकोलाई को हैवी नाइट्रोजन मीडियम पे ग्रो कर रहे हैं, 50% ऑफ द डीएनए इज हाइब्रिड व्हाइल 50% ऑफ द डीएनए इज प्योरली N15 N15. रिपीटेड जेनरेशंस में क्या होगा, हाइब्रिड की परसेंटेज डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जो नए स्ट्रैंड्स बन रहे हैं उनमें खाली N15 हैवी नाइट्रोजन होगा. सो थर्ड जनरेशन में हाइब्रिड 25% होगा, 75% हैवी नाइट्रोजन वाला होगा, और सक्सेसिव जनरेशंस में इट विल बी 12.5%, फिर इसका हाफ होगा 6.25%, और कई जनरेशंस के बाद दिस हाइब्रिड नाइट्रोजन विल बी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिकॉज होल ऑफ द पॉपुलेशन विल बी हैविंग N15 N15. ऑनली टू इकोलाई कैन हैव हाइब्रिड मॉलिक्यूल. सो इन ए पॉपुलेशन ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ इकोलाई वी हैव जस्ट टू हाइब्रिड इकोलाई, ऑल अदर्स आर N15 and N15. सो यू आर removing N14 from the generation, and the population of E. coli that you are having now comprise only N15 N15 DNA molecules. अब देखिए हम इस DNA का क्या करेंगे. E. coli को rupture किया जाएगा और rupturing के बाद इस E. coli का DNA निकाला जाएगा जो N15 होगा, क्योंकि आपने इकोलाई को रिपीटेडली कई सारे जनरेशंस के लिए हैवी नाइट्रोजन पे कल्चर किया. आप इस डीएनए को अंदर से निकालेंगे, इकोलाई को रप्चर करने के बाद आप ये डीएनए निकाल दीजिए. आप इस डीएनए को सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में, इट विल सेडिमेंट इन अकॉर्डेंस विद इट्स डेंसिटी सिंस इट इज हैवियर, तो ये N15 वाला जो डीएनए होगा ये सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बॉटम पे आएगा, क्योंकि इसमें हैवी नाइट्रोजन है, डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होने के कारण सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बॉटम पे आएगा. अब
आप क्या करेंगे इसके बाद? आप एक इकोलाई को लीजिए जिसमें N15 डीएनए मॉलिक्यूल होगा, आई मीन से जिसमें दोनों स्ट्रैंड जो डीएनए मॉलिक्यूल के है इसमें भी हैवी नाइट्रोजन है N15, इस वाले स्ट्रैंड में भी N15 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अब आप क्या करोगे, इस इकोलाई को वापस लाइट नाइट्रोजन प्रोवाइड करिए, N740 नाइट्रोजन प्रोवाइड करिए। अब यहां पे क्या होगा, जो नए डीएनए के स्ट्रैंड्स बनेंगे उनमें जो नाइट्रोजन होगा इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दैट विल बी द लाइट नाइट्रोजन, विद द रिजल्ट ये जो आपका N15 होगा, N15 पेरेंटल स्ट्रैंड जो होगा, जो यहां पे नया स्ट्रैंड बन जाएगा, उस नए स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होंगे दे विल बी हैविंग N14 नाइट्रोजन, लाइट नाइट्रोजन, विद द रिजल्ट ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, ओरिजिनल होगा, इसके ऊपर जो डॉटर स्ट्रैंड बनेगा ये होगा N14 वाला, और जो दूसरा इकोलाई बनेगा एट द एंड ऑफ द डिवीजन उसमें एक स्ट्रैंड तो पुराना होगा ही N15, जो नया डीएनए स्ट्रैंड उसके ऊपर बनेगा उसमें लाइट नाइट्रोजन होने के कारण स्ट्रैंड होगा N14। अब आप क्या करेंगे, आप एक इकोलाई को, आप एक इकोलाई को रप्चर करिए, उसका डीएनए निकाल दीजिए, उसका डीएनए आप सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाल दीजिए। अब यहां पे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, अगर डीएनए रेप्लिकेशन कंजर्वेटिव टाइप होती दैट मींस ये डीएनए वैसा ही रहता 100% पेरेंटल स्ट्रैंड विल रिमेन इन इट्स ओरिजिनल फ्रेमवर्क, और जो नया डीएनए मॉलिक्यूल होगा उसमें दोनों के दोनों स्ट्रैंड नए होंगे, मींस हमारे पास जो दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बनते हैड इट बीन पॉसिबल लाइक दैट वी वुड हैव बीन N15 N15 और हमारे पास N14 N14 होता, और अगर वैसा होता आप डीएनए को सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में लेते, या तो वो नाइट्रोजन यहां पे बैठता या तो वो नाइट्रोजन यहां पे आता, मगर जब इस इकोलाई से डीएनए निकाला और सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में इसको डाला गया, इसकी डेंसिटी यानी ये सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में N14 और N15 के बीच में आ गया। इसका मतलब है कि जो ये डीएनए मॉलिक्यूल बन गया है इस डीएनए मॉलिक्यूल की डेंसिटी इंटरमीडिएट होगी यानी N14 और N15 के बीच में, और इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो नया डीएनए मॉलिक्यूल होगा इसमें एक स्ट्रैंड N15 है, एक स्ट्रैंड N14 है, N15 N14 हाइब्रिड के कारण डेंसिटी विल बी इंटरमीडिएट बिटवीन N14 N15, तो ये डीएनए मॉलिक्यूल यहां पे आ गया, इससे प्रूव हुआ कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है। और अगर आप इस इकोलाई को लेके अगेन इफ यू विल लुक हियर 100% ऑफ द डीएनए इन फर्स्ट जनरेशन विल बी हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑफ N14 एंड N15। अब आप क्या करिए, इन इकोलाई को N14 पे कल्चर करिए, दैट मीन्स न्यू स्ट्रैंड विल बी नाउ ऑनली N14, दैट मीन्स इसे बनेगा N14, नया स्ट्रैंड होगा, इस N15 स्ट्रैंड नया होगा N14, ये N14 है नया N14 ही बनेगा, इज N15 न्यू स्ट्रैंड विल बी N14 बिकॉज यू आर गिविंग N14 द मीडियम एंड दिस विल बी N14 N14, दैट मीन्स सेकंड जनरेशन में द अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए विल बी जस्ट 50% हाइब्रिड ऑफ N14 N15, वाइल 50% ऑफ द डीएनए विल नाउ बी N14 N14। रिपीटेडली कल्चर इकोलाई ऑन दिस N14, वट यू विल फाइंड हाइब्रिड इज जस्ट 25%, 12.5%, इससे प्रूव हो जाएगा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये सेमी कंजर्वेटिव होती है, और जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बनता है उसमें एक स्ट्रैंड पुराना होता है बाय द नेम ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड नया होता है जिसका नाम होगा न्यू स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड। इन एडिशन टू दिस मिजेलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट,
there were some more scientists. Special one or the important one is Taylor. Taylor एक scientist है जिन्होंने semi-conservative mode of DNA replication पे काम किया. इन्होंने faba beans लिए, name of Vachia faba. इनमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो पहले सारे के सारे नॉन रेडियो एक्टिव होंगे. मान लो अगर हमारे पास एक क्रोमोसोम होगा, इस क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, इसमें सपोज अगर हाइड्रोजन होगा इट विल बी नॉन रेडियो एक्टिव. टेलर ने क्या किया, इन्होंने यहां पे रेडियो एक्टिव नाइट्रोजीनियस बेसिस प्रोवाइड किए, रेडियो एक्टिव थाइमीन प्रोवाइड किया. आप क्या देखा कि जो यहां पे क्रोमोसोम था रेप्लिकेशन के बाद, इसमें एक डॉटर स्ट्रैंड नॉन रेडियो एक्टिव था जबकि दूसरा जो था सिस्टर क्रोमेटिड इट वाज रेडियो एक्टिव. एंड इन दिस मॉलिक्यूल वन सिस्टर क्रोमेटिड वाज नॉन रेडियो एक्टिव व्हाइल द अदर वन वाज रेडियो एक्टिव. हैड इट बीन कंजर्वेटिव टाइप दैट मीन्स हियर द टू क्रोमोसोम्स वुड हैव बीन लाइक दिस, वन टोटली नॉन रेडियो एक्टिव एंड वन टोटली रेडियो एक्टिव. बट दिस इज नॉट द केस. केस इज लाइक दिस इन नेक्स्ट जनरेशन व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग रेडियो एक्टिव मीडियम आउट ऑफ टू क्रोमेटिड्स, वन ऑफ द क्रोमेटिड विल बी नॉन रेडियो एक्टिव लाइक पेरेंटल एंड वन विल बी रेडियो एक्टिव लाइक द न्यू वन. एंड सेम अप्लाइज फॉर दिस. दिस प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव.